हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये मुर्गे का जो चिकन होता है उसका पंजा और ये उसके ऊपर का जो खाल होता है। ये आप यकीन मानिए, आप जो चिकन बनाते हैं ये उस चिकन से ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए बिना बात किए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, और ये देखिए पानी लगभग हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसे ज़्यादा खौलाएंगे नहीं। हम सीधे इसमें जो है अपने जो सारे पंजे और पंख जो है उसे हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए, और इसको डाल करके चूंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो इसे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम उतार लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे डुबा लिया है और इसे नीचे भी उतार लिया है। ये देखिए, जो हमारे स्किन थे ये कड़े हो चुके हैं, तो चलिए हम फटाफट से इसे हम निकालना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजी और आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, इस तरह से आसानी से ये छूट जाती है। इसमें ध्यान आपको देना होगा कि अगर जो ज़्यादा इसके देर रखेंगे तो ये पूरी तरह से गल जाएगी। चलिए इसको हम सारे को छुड़ा लेते हैं जल्दी से। उसी तरह हम ये खाल को भी कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी साफ हो जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे पूरी तरह से साफ करके फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा कितनी अच्छी तरह से ये खाल भी साफ हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए हमारे पंजे जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से साफ हुआ है, देख लीजिए। अभी इसके जो है ये नाखून हमें यहाँ से काट लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से कट चुका है और साफ भी हो चुका है। तो चलिए इसे भी जो है हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे यूं करके। ये देखिए, इसे थोड़ा सारे कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसे काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए सारा। चलिए फटाफट से हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है दोस्तों, तो इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल डाल दे रहे हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें एक लाल मिर्च, दो तेज पत्ता और ये आधा चम्मच जीरा। चलिए इसे जीरा को फूटने देते हैं। जीरा हमारा फूटने लगा है, तो ये हमारा 3 मीडियम साइज का प्याज था कटा हुआ, जिसको हमने चॉप कर लिया था। इसे डाल कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम अपने जो चिकन के ये पाया और जो इसकी चमड़ी थी उसे डाल दे रहे हैं और डाल कर फ्राई कर लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये चिकन जो है चिकन से ज़्यादा बेहतरीन लगती है। आप अगर एक बार खा लेंगे तो इसका स्वाद आप भुला नहीं पाएंगे। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट। ये हमारा चिकन पाया जो है वो फ्राई हो चुका है, तो 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। तो इसमें डाल रहे हैं नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, साथ ही इसमें डालेंगे हम हल्दी और ये मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से हम सारे मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन पाया हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है दोस्तों। चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हमने करीब 1 कप के आसपास पानी डाला है। इसमें हम डाल दे रहे हैं ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये आधा चम्मच से भी कम था। वहीं से ढक देंगे और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। 10 मिनट के करीब हो चुके हैं दोस्तों, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो चिकन पाया है वो काफ़ी अच्छी तरह से बनी है। तो इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और चैनल की अगली वीडियो पाने के लिए, चैनल को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।